हरे कृष्णा माता जी, हर प्रभु जी, धन्य प्रणाम। अभी श्वेता माता जी एक भजन गाएंगे और उसके बारे में समझाएंगे। हरे कृष्णा मैया, आर यू रेडी? हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। भजन है हरि हे दयालु मन। हरि हे दयालु मोरा, जय राधा ना। हरि हे दयालु मोरा, जय राधा ना। बारो 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 लगो निज सा, बारो 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 लगो निज सा। हरि दयालु मोरा, जय राधा ना। बहु योनि धनी नाथा, लोई नु शरण। बहु योनि धनी नाथा, लोई नु शरण। निज गुणी कृपा पर अधम तारण। निज गुणी कृपा पर अधम तारण। हरि दयालु मोरा, जय राधा ना। जगत कारण तुमी, जगत जीवन। जगत कारण तुमी, जगत जीवन। तोमा छाड़ा के नाही, हे राधा रमण। तोमा छाड़ा के नाही, हे राधा रमण। हरि दयालु मोरा, जय राधा ना। हरि दयालु मोरा, जय राधा ना। भुवन मंगल तुमी, भुवन पति। भुवन मंगल तुमी, भुवन पति। तुमी उपेक्षिले नाथा, की होइबे गति। তুমি উপেক্ষিলে নাথা, কি হইবে গতি। হরি দয়ালু মোরা, জয় রাধা নাথ। হরি দয়ালু মোরা, জয় রাধা নাথ। ভাবিয়া দেখিনু জগৎ মাঝারে, ভাবিয়া দেখিনু জগৎ মাঝারে। তোমা বিনা কেহ নাহি, কে দাসী উদ্ধারে। তোমা বিনা কেহ নাহি, উদ্ধারে। হরি হে দয়ালু মোরা,
जय राधा नाथ हरि दयाल मोरा जय राधा नाथ बारो बारो ई बारो लहु निज साथा बारो बारो ई बारो लहु निज साथा हरि दयाल मोरा जय राधा नाथ हरि दयाल मोरा जय राधा नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा सभी को। तो ये जो भजन है इसमें क्या बताया गया है कि अभी हम तो भक्ति के उसमें आगे बढ़ रहे हैं, अभी लेवल 5 में है, तो हमें तो मतलब बहुत कुछ ये पता है कि भक्ति में एक भक्त को जो है वो कैसे होना चाहिए, एक भक्त जो है वो उनके लक्षण क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं, ये सब हम जानते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये हम सभी को समझ में आता है और जानते जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी जो है ये जो भजन है इसमें भी यहाँ पे यही समझने जैसा है, मतलब ये भजन के भजन में जो आचार्य ने जो बताया है कि किस तरह से एक भक्त को जो है वो क्या भगवान से मांगना चाहिए, किस तरह से मांगना चाहिए और किस क्या किस वजह से, मतलब किस तरह से विनम्र होके मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए। तो यहाँ पे भजन में क्या बताते हैं कि हे हरि, हे मेरे दयालु ईश्वर, आपकी जय हो। हे राधा जी के स्वामी, मैंने आपसे बार बार विनय पूर्वक याचना की है और अब मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपना बना लो, अपना समझ कर मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो हमने जैसे देखा है अब तक श्रीला प्रभुपाद जी के भी तात्पर्यों में हमने ये देखा है कि एक जो शुद्ध भक्त होते हैं, मतलब भक्ति के बहुत हाईएस्ट लेवल पे जो होते हैं, वो कभी मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते, लेकिन वो क्या इच्छा रखते हैं कि हमेशा भगवान जो है वो उनके साथ रहे, ये इच्छा रखते हैं। उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का साथ। तो अभी ये तो कहना मतलब कि हमें भौतिक चीजें नहीं मांगना चाहिए भगवान से, ये हो ये तो अब हम सभी जान गए हैं कि हमें जो ये मनुष्य जन्म भी मिला है तो उसका क्या पर्पस है, क्यों हमें मिला है, इतना ज्ञान अभी हमें आ गया है। लेकिन अब एक भक्त के रूप में भी हमें क्या भगवान से मांगना चाहिए, ये अभी तक हमें नहीं आता, ये अभी तक हमें भगवान से बातें करना नहीं आता, भगवान से क्या हमें मांग करनी चाहिए, मांग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हमें अभी उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि हम भक्ति में धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, उतना शुद्ध हम जो है अभी नहीं हुए हैं। तो ये भजन के रूप में जो है उसमें क्या बताते हैं आचार्य, किस तरह से आचार्य जो है वो भगवान को, भगवान से किस तरह से क्या और कैसे मांगते हैं। तो यही तो हर हर एक शुद्ध भक्त जो होते हैं, जिन्होंने ये भजन सब लिखे होते हैं, कीर्तन सब लिखे होते हैं, वो हमेशा अपने कीर्तनों में, अपने भजनों में यही मांगते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान का साथ चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थिति में वो
भगवान जो है वो उस शुद्ध भक्त को रखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस आपका साथ चाहिए जाए। आप जैसे भी मुझे रखो, जैसे भी आप मुझसे मतलब मेरे साथ जैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति जैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो जैसी भी हो, बस आपका साथ मुझे चाहिए, तो यही मांगते हैं। तो यहाँ पे भी ईश्वर को मतलब दयालु होते हैं, ईश्वर को बड़े, तो हम जो भी एकदम भक्ति पूर्वक जो भी हम मांगते हैं भगवान से, वो भगवान हमेशा सुनते हैं और भगवान वो इच्छा को भी पूरी करते हैं। तो उनका साथ भी डेफिनेटली जो है वो एक शुद्ध भक्त को मिलता है, जो हमेशा एक शुद्ध भक्त की इच्छा होती है। तो आगे यहाँ पे क्या बोलते हैं भजन में, कि हे भगवान, निराश पूर्ण होकर बारंबार जन्म लेते हुए अब मैं शरण लेने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया अपना दयापूर्ण स्वभाव प्रदर्शित कीजिए और इस दुष्ट आत्मा को उद्धार कीजिए। तो हम तो अभी जान गए हैं कि कितना हम मतलब मृत्यु जन्म के चक्कर काट काट के अभी जो है हमें मनुष्य जन्म मिला है। अब हमें जब ये ज्ञान मिला है, अब जब हमें ये पता है कि किस तरह से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आया जा सकता है, किस तरह से जो ये मनुष्य जन्म है उसको हम उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, उसका उपयोग करके जो है वो हम उद्धार कर सकते हैं अपना, तो वो ही यहाँ पे बताया है कि अब मैं निराश हो गया हूँ, ये सारे 84 लाख की योनि में चक्कर काटते 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 जो है वो मैं एकदम निराश हो गया हूँ, हताश हो गया हूँ, अब बस हो गया, ये इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे बाहर निकलना है और इसके लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। क्यों? क्योंकि भगवद गीता, ये जो सारे कीर्तन होते हैं शुद्ध भक्तों के, उनके कीर्तन में सब भगवद गीता के ही जो है वो श्लोक के जो तात्पर्य जो होते हैं, वही जो है वो भजन में उनका उनके सारे भजनों में भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने भी बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। ये बोला है मतलब ये मेरे शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों को तुम्हारे जो है वो ठीक करता हूँ, पापों को जो है नष्ट कर देता हूँ और डरो मत। तो यहाँ पे भी यही कि हमें भी मतलब एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के शरण में किस तरह से जाते हैं और जाके ये जो है वो तुरंत उनका जो पाप जो है वो उनको पाप से मुक्ति देते हैं भगवान। इसीलिए किस तरह से ये जो स्टैंजा है उसमें यही बताया कि किस तरह से हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। तो भगवान का शरणागति होके जो है अब ये इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे बाहर निकालिए और कृपया अपना दयापूर्ण जो स्वभाव है उसको प्रदर्शित कीजिए। भगवान तो दया के सागर है, दया के सागर है, और वो एक बार उनके शरण में जाते ही वो सभी जो हमारे पापों को वो अनदेखा करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं और उनकी जो दया है वो हमेशा अपने शुद्ध भक्तों पे रखते हैं। और इस तरह से मुझ जैसे इस दुष्ट आत्मा का उद्धार कीजिए। फिर बताते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के कारण हो, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले और इसके प्राण आधार हो। हे राधा जी के प्रेमी, आपके अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं हो। तो इस ब्रह्मांड के, ये तो हम सभी जान ही गए हैं, भगवद गीता में भी बताया गया है कि भगवान किस तरह से मतलब ब्रह्म संहिता में भी है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वे ही जो है वो सर्व इस पूरे सृष्टि के, इस पूरे ब्रह्मांड के, स्पिरिचुअल भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत सभी के वो कारण है, वो ही कारण कारणों के कारण भी है। तो वही जो है वो प्राण आधार है, हमारे ये जो सब पूरी सृष्टि जो चल रही है उसका आधार भी भगवान ही है। इसलिए हे राधा जी के प्रेमी, आपके अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है। तो यहाँ पे राधा जी के प्रेमी क्यों बताया है? क्योंकि राधा जी जो है हमेशा भगवान के आश्रित में ही रहती है, मतलब वो राधा जी जो है, राधा रानी जो है, वो जो कुछ भी करती है वो भगवान के कंट्रोल में, या उनके जो मतलब वो जिस तरह से कहते हैं या उनको उनकी जो मर्जी होती है, भगवान की मर्जी है, उसी प्रकार जो है वो राधा रानी भी चलते हैं। तो इसी तरह से हम भी जो है भगवान के उसी तरह से
आश्रय में हमें भी आना चाहिए। शुद्ध भक्त कुल जो भी है वो भी राधा रानी की तरह उनके आश्रय में आते ही जो है फिर पूरा हम सब एक शुद्ध भक्त का जो ध्यान है वो पूरा कृष्ण भगवान की रखते हैं। फिर किसी बात का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि आप इस संसार के लिए शुभ मंगल सौभाग्य लाते हो और साथ ही आप समस्त लोगों के स्वामी हो। हे भगवान, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो यहाँ पे हमने ये अलग अलग पुराणों में भी देखा है, जैसे कि रामायण है या महाभारत है, उसमें भी हमने देखा है कि जब भी जब भी एक शुद्ध भक्त पे कोई विपदा आती है या जो असुरों का जो अत्याचार है वो जब बढ़ता है शुद्ध भक्तों पे, तो किस तरह से भगवान जो है वो आते हैं। और भगवान ने भगवद गीता में भी बोला है कि वो जो है वो अवतरित होते हैं कब, एक साधु जो होते हैं, साधु जन जो होते हैं, उनके शुद्ध भक्त जो होते हैं उनपे जब अत्याचार या विपदाएं जो आती है तो वो भगवान जो है वो स्वयं अवतरित होते हैं और उन भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को शिक्षा करते हैं। तो ये बोला है, इसीलिए भगवान जो है इस संसार के लिए शुभ मंगल सौभाग्य लाते हैं। तो हमेशा भगवान जो है वो अच्छा ही करते हैं। सूरज है हमारे सभी के, सूरज है हमारे अंदर परमात्मा बन के हमें जो है वो हमारा अच्छा भला ही करते हैं और साथ ही जो है भगवान समस्त लोगों के स्वामी भी हैं, कंट्रोलर हैं, वो इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। तो हे भगवान, यदि अगर ऐसे स्वामी ने अगर हम जैसे सेवकों को, शुद्ध भक्तों को अगर छोड़ दिया तो फिर इन हम जैसे सेवकों को या शुद्ध भक्तों को किस तरह से फिर कहाँ वो जाएंगे? अगर स्वामी ने ही एक सेवक का जो है वो हाथ छोड़ दिया तो फिर सेवक कहाँ जाएगा, है ना? उसी तरह से फिर आगे बताते हैं कि मैंने समझ लिया है, मैं जान चुका हूं कि अपनी दुखद स्थिति पर विचार या मनन करने के पश्चात कि इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो इस सेवक या दास का उद्धार कर सके। तो इस तरह से अब मैंने ये समझ लिया है, मैं अब ये जान चुका हूँ कि मेरी जो ये अभी दुखद स्थिति है, अभी हम भी सभी धीरे धीरे मतलब लेवल जैसे हमारा बढ़ता गया हमने भी ये समझ लिया है कि इस हमने मतलब ये ज्ञान हमें आ गया है कि हमारी जो ये परिस्थिति जो भी है ये जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है ये दुखद स्थिति ही है। जबकि हम पहले जो है यहाँ पे इस्कॉन में जुड़ने से पहले हम ये सोचते थे कि यही ये जो हमारी भौतिक अस्तित्व है यही हमारी सच्चाई है, ये हम समझते थे। और हम ये नहीं जानते थे कि हमें क्यों ये दुख आते हैं, क्यों हमें ये कष्ट होते हैं, और कष्ट भी होते हैं तो क्या क्या कष्ट होते हैं हमारे मतलब ये 84 लाख के योनि में जो हम भटकते रहते हैं उनमें हमारे कष्ट क्या है, क्योंकि इन कष्टों को ही हमने जो है वो सुख मान लिया था, है ना? अभी अब जब हम इस्कॉन से जुड़े हैं, अभी जैसे जैसे हमारा लेवल भी बढ़ गया है तो उस तो हमें भी धीरे धीरे अब ये समझ में आने लगा है कि ये जन्म और मृत्यु जो जरा व्याधि ये सब जो है यही जो है वो दुख है, यही कष्ट है। यानी कि इस भौतिक जगत में आना ही एक बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ा कष्ट है। और उस दुखद स्थिति में अब मैं क्यों हूं ये मैं समझ चुका हूँ, और अब जब मैंने ये विचार किया, जब मैंने ये मनन किया तो मुझे ये क्या समझ आया कि इस संसार में भगवान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, यानी कि उनका वही जो है वही शाश्वत है, सच्चिदानंद रूप में, है ना? उनका तो शाश्वत है, वही है, वो शाश्वत है। हम सब जो है वो एक आत्मा के रूप में शाश्वत है, लेकिन ये जो भौतिक जगत में जो हम लोग है, ये जो मनुष्य जन्म या जो भी अभी तक जो भी योनिया जो है या जितनी भी यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो भी है वो सब अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। तो भगवान के अतिरिक्त और कोई भी शाश्वत नहीं है, और इस सेवक और हम सब जो है वो भगवान के सेवक है, वही एक स्वामी है, ये सारे सेवक है, उनके दास है। और अगर स्वामी ने ही फिर दास का हाथ छोड़ दिया तो फिर दास कहाँ जाएगा, उसका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हमें जो है हमेशा भगवान के शरणागति बन के रहना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए, उनके दास हम है ये हमें समझना चाहिए। और इस मनुष्य जन्म को जो है वो उसका जो बेनिफिट है उसका जो सही उपयोग है वो हमें करना चाहिए। तो कोई भी मेरे कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
श्री कृष्णार्पणमस्तु, हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। वेरी एक्सलेंट श्वेता माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा धन्यवाद, बताया। हार्ट टचिंग, सुप्रिया माता जी ने तो और भी अच्छा बता दिया गुरु तत्व के बारे में। धन्यवाद दोनों माताओं का, धन्यवाद हरी बोल, हरी बोल, यस माता जी, वेरी धन्यवाद। एक्सलेंट श्वेता माता जी। तो अभी हम लोग ये रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।